हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट दोस्तों आज है दो सितंबर और दो सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और सारे ही क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिल ट्रैक कहाँ बनाया गया है तो यह भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिल ट्रैक है इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह बनाया गया है मनाली में और मनाली है कहाँ तो यह हिमाचल प्रदेश में तो यह मनाली में कहाँ बनाया गया है तो मनाली में एक टूरिस्ट जगह है गुलाबा नाम की गुलाबा नाम का एक टूरिस्ट प्लेस है मनाली में यहीं पर भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिल ट्रैक बनाया गया है और इसकी ऊंचाई कितनी है तो यह 9000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और इसकी लंबाई तो इसकी लंबाई है 350 मीटर इसकी लंबाई और ऊंचाई है 9000 हज़ार फिट बात यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की आई है तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड मैं आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन बताना चाहूंगी अभी जो सत्रहवीं लोकसभा संपन्न हुई थी आप सभी जानते हैं उसमें जो सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदाता केंद्र था यानी कि वोटर सेंटर यह हिमाचल प्रदेश में ही स्थित था और कुछ समय पहले ही हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने मेघा प्रोत्साहन योजना शुरू की है और यह मेघा प्रोत्साहन योजना है क्या तो इस योजना के अंतर्गत जो मेधावी छात्र होते हैं उनको लैपटॉप दिया गया था और जो छात्र बाहर रह के स्टडी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका खर्चा भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट उठाएगी तो ये थी मेघा प्रोत्साहन योजना जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई थी आप याद रखिएगा स्कीम से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है और एक चीज़ मैं आपको जनरल नॉलेज से रिलेट करना चाहूँगी पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर भी कहा जाता है यदि आपसे पूछा जाए कि मनु का घर किसे कहा जाता है पौराणिक ग्रंथों में तो वह कहा जाता है मनाली को ही तो ये आप याद रखिएगा और हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जयराम ठाकुर है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई पी एस ओ एस द्वारा जारी किए गए ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे के हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा तो अभी ही एक हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें पहले स्थान पर रहा था ऑस्ट्रेलिया और कनाडा यानी कि दोनों ही देश इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे दूसरे स्थान पर रहा ग्रेट ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर रहा फ्रांस अच्छा इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग थी तो इस हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया रहा नौवे नंबर पर ठीक है तो पहले स्थान पर कौन था आपको ये याद होना चाहिए और इंडिया की रैंकिंग क्या थी ये याद होनी चाहिए अच्छा बात यहाँ पर आई की आई है तो आई होता क्या है यह एक ग्लोबल मार्केट रिसर्च ग्रुप है और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसका मुख्यालय कहाँ है इसका मुख्यालय फ्रांस में फ्रांस की कैपिटल क्या है पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है और फ्रांस से रिलेटेड मैंने एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हमेशा आपको बताया है कि फ्रांस जो है विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने गाफा पर टैक्स लगाया है अभी अब गाफा है क्या तो गाफा का फुल फॉर्म होता है गूगल एप्पल फेसबुक और अमेजॉन इन पर टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है फ्रांस तो ये भी आप याद रखिएगा और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं क्या नाम है उनका इमान्यूअल मैक्रोन तो अभी कुछ समय पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ से किया गया तो दोस्तों इस एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया था मुंबई से और यह लाइफलाइन एक्सप्रेस है क्या तो इसे हॉस्पिटल ऑन व्हील्स भी कहा जाता है और यह गरीबों के इलाज करने के लिए है यह ट्रेन और इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई से तो मुंबई में कहाँ से किया गया है तो इसका उद्घाटन किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ठीक है सेंट्रल रेलवे आप सभी जानते हैं आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है तो यह मुंबई में ही स्थित है तो ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राष्ट्र ने अपना स्पेस कमांड लॉन्च किया है तो अपना स्पेस कमांड लॉन्च करने वाला देश बन गया है यूएसए और एक चीज इस स्पेस कमांड का नाम क्या है तो इस स्पेस कमांड का नाम है स्पेस कॉम तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए स्पेस कमांड का नाम और जिस कंट्री ने लॉन्च किया है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं तो दोस्तों देखिए अभी ही यानी कि कल एक सितंबर को पांच राज्यों के नए राज्यपाल बने हैं यानी कि राज्यपाल बदले भी गए हैं और बने भी हैं तो जो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बन गए हैं वह बन गए हैं भगत सिंह कोश्यारी और इसके पहले कौन थे तो इसके पहले थे सी विद्यासागर राव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है देवेंद्र फडणवीस है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से रिलेटेड मैं आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन बता दूं आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है मुंबई है और महाराष्ट्र में एक जगह है नागपुर और नागपुर को ही संतरा नगरी के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में एक शहर है पुणे और पुणे में ही भारत की रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पुणे में ही आगा खा पैलेस स्थित है प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर यदि पूछा जाए तो यह मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया यह भी मुंबई में ही है अक्सर पूछा जाता है सेबी का मुख्यालय कहाँ है तो यह भी मुंबई में ही है और मुंबई को ही भारत का हॉलीवुड कहा जाता है और महाराष्ट्र के लोक नृत्य अक्सर पूछे जाते हैं तमाशा और लावनी ये दो प्रमुख लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के और जो गणेश उत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं गणेश उत्सव तो यह महाराष्ट्र की ही देन है और आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं कुलस्सी आती हैं और उत्तर प्रदेश से बाद यदि किसी राज्य की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं तो वह है महाराष्ट्र की कुल फोर्टी एट नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के नए राज्यपाल कौन बने हैं अभी मैंने बताया महाराष्ट्र के राज्यपाल और अब बन गए हैं केरल के नए राज्यपाल तो यह कौन बने हैं आरिफ मोहम्मद खान और इसके पहले कौन थे तो इसके पहले थे पी सदाशिवम और केरल के मुख्यमंत्री कौन है केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन केरल में है शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण कहाँ है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है तो ये सब है केरल में ही और अभी हाल ही में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी केरल में ही खोला गया है केरल के तिरुअनंतपुरम में अच्छा केरल का लोक नृत्य क्या है तो केरल का लोक नृत्य है कथकली और कुछ समय पहले ही केरल के मरियूर गुड़ को जी टैग दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान योजना और राज्य की भामाशाही योजना को मिला दिया है तो भामाशाही योजना थी कहाँ की यह थी राजस्थान की और राजस्थान ने ही आयुष्मान योजना और राज्य की भामाशाही योजना का विलय कर दिया है बात यहाँ पर राजस्थान की आई है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है अशोक गहलोत हैं राजस्थान की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन है सचिन पायलट और राजस्थान के ही जयपुर को यानी कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है जयपुर को ही अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है और इसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे फैक्ट पता चल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो अभी हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अलाक्सी होंजरेक और कल ही मैंने आपको बताया था नोरू के भी नए राष्ट्रपति बने और उनका नाम क्या है नोरू के नए राष्ट्रपति हैं लियोनेल आइगिमिया कल ही मैंने आपको बताया था और बोरिस जॉनसन कौन है तो बोरिस जॉनसन भी अभी ही बने हैं इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और बेंजामिन नेतन्हाऊ तो बेंजामिन नेतन्हाऊ इसराइल के पाँचवीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2019 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है तो यह जीत लिया है टेनिस स्टार नोवाक जोकोविक ने और नोवाक जोकोविक किस कंट्री से हैं अक्सर पूछ लिया जाता है तो यह है सर्बिया के और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले ही एटीपी रैंकिंग जारी की गई थी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन की रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें नोवाक जोकोविक पहले स्थान पर थे तो ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन आई की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर तीन नामों में कन्फ्यूज़न होता है तो आई की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है हीना जयसवाल और एक चीज़ सालिजा धामी कौन है तो कल ही मैंने आपको बताया था जो सालिजा धामी है यह इंडिया की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी है और अवनी चतुर्वेदी तो यह भारत की पहली फीमेल फाइटर पायलट हैं तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अब कल के क्वेश्चन का आंसर कल मैंने पूछा था हाल ही में भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा कहाँ शुरू की गई तो यह शुरू की गई थी गुजरात के गांधीनगर में और गुजरात का गांधीनगर ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है यह भी आपको मालूम होना चाहिए अब आप लोगों के लिए आज का सवाल हाल ही में भारत के किस शहर को किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम तैयार किया गया है कल ही मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी पता है सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं सारे ही कमेंट्स पढ़ती हूँ तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है पसंद आया है तो अपनी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच